वीरों, विद्रोहियों, बागियों और क्रांतिकारियों की धरती बादरा। भादरा, जहां की माटी ने देश को बालकृष्ण गुप्ता जैसा खांटी सोशलिस्ट और खूबराम जैसा क्रांतिकारी दिया। जो चौधरी हरदत्त सिंह की कर्मभूमि और बाबा खेताराम की तपोभूमि रही। भादरा, जहां के मैदानों में कभी घोड़ों की टापें गूंजा करती थीं और जो हमेशा से अपनी राजनीतिक चेतना, सामाजिक सरोकारों व कांदलवंशी राठौड़ों के लिए जाना जाता रहा। जहां की जनता ने कभी किसी की गुलामी स्वीकार नहीं की और बगावत का झंडा हमेशा थामे रखा। बिल्कुल उसी भादरा की बात हम कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, संगोपंग में आपका एक बार फिर स्वागत है। संगोपंग के इस अंक में हम आपको लेकर चल रहे हैं भादरा। दोस्तों, आपसे आग्रह है कि आप संगोपंग चैनल को फेसबुक, ट्विटर व व्हाट्सएप के जरिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी इन जगहों के बारे में जान सकें। जिन दोस्तों ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे आग्रह है कि वे वीडियो के नीचे बने सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और घंटी का निशान दबाएं। धन्यवाद। दोस्तों, भादरा ऐतिहासिक भूमि है। इसका इतिहास वैदिक से लेकर महाभारत काल और मुगलिया सल्तनत से लेकर राजे रजवड़ों के दौर तक फैला है। मोहम्मद हनीफ ने इस इलाके के इतिहास को एक शोधपरक किताब भादरा तहसील का इतिहास में समेटा है। इस किताब में भादरा के बारे में अद्भुत जानकारियां हैं। समय की बंदिशों के चलते हम उस गहराई तक नहीं जा सकते, लेकिन मुख्य मुख्य तथ्यों के आधार पर भादरा के बारे में आपको जरूर बताएंगे। दोस्तों, अनेक इतिहासकारों ने बार बार कहा है कि जांगल प्रदेश के उत्तरी छोर पर बसा भादरा व भादरा नोहर का यह इलाका वैदिक काल में सप्त सैंधव क्षेत्र का हिस्सा था, जिसे हिरण्यवती, दृश्यवती, कौशिकी व सरस्वती जैसी सात नदियां सींचती थी। इस इलाके में मिलने वाले शंख, सीपियां, ठीकरियां व नरकंकाल इस बात का प्रमाण है कि किसी समय यह मानव सभ्यता फली फूली थी। ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब दृश्यवती नदी हिसार, भादरा, नोहर, रावसर होते हुए सूरतगढ़ के पास सरस्वती नदी में मिलती थी। सार यही है कि वैदिक युग में इस इलाके में एक उच्च कोटि की सभ्यता फली फूली थी, जिसे अलग अलग सात नदियों का पानी सींचता था। किंवदंती है कि महाभारत काल में यह इलाका कुरु प्रदेश में आता था और अपने वनवास काल में पांडव नोहर के पास पांडुसर गांव में रहे थे। नोहर के क्रोती व सोती के थेड़ों में मिले गेरुए रंग के मृदभांड महाभारत कालीन माने जाते हैं। यहां आपको बताते चलें कि भादरा का मौजूदा नाम भी कहीं न कहीं महाभारत काल से ही निकला है। इतिहास की किताबों के अनुसार महाभारत काल में भद्रक जनपद था। इस जनपद की पहचान अपर भद्रक व पूर्व भद्रक दो अलग अलग राज्यों के रूप में थी। इनमें से पूर्व भद्रक में भद्र नाम की नगरी थी। भादरा शब्द संभवतः वहीं से निकला है। यह भी कहा जाता है कि भादरा नाम भद्रा, भद्र या परिभद्र से आया है। जाट इतिहास में भद्रकों को भादरा का निवासी लिखा गया है। पाणिनि अष्टाध्यायी के अनुसार पांचालों के पड़ोसी जनपदों में से एक भद्रक जनपद था। यह दो भागों में बंटा था और इसकी एक राजधानी इरावती या घग्गर के किनारे भद्र नामक नगरी थी, जो आज भादरा कहलाती है। 1200 ईस्वी के बाद दैया जाति के शासकों के समय भादरा का नाम रत्ताखेड़ा भी था। विद्वान रामदत्त संकृत्य के अनुसार मेगस्थनीज ने जिस शहर को पाली ब्रोथा कहा है, वह वास्तव में पारिभद्र है, जो उनके अनुसार वर्तमान भादरा है, यानी मेगस्थनीज यहां आया और रहा था। हर्ष के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भी इस इलाके में आया था। भादरा में जाट काल की शुरुआत महमूद गजनवी के साथ युद्ध में जाटों की हार से होती है। 1200 ईस्वी से 1545 ईस्वी तक इस इलाके में जाट प्रभावी रहे। पूनिया, बेनीवाल के साथ साथ सहारण, कस्बा व सिहाग जाट 300 साल तक इस इलाके में छोटी मोटी पट्टियों या जागीरों के रूप में शासन करते रहे। कर्नल टोड के अनुसार इन जाट जागीरों या राज्यों को ग्यासिया राज के नाम से पुकारा जाता था और ये सैन्य दृष्टि से मजबूत थे।
जाट काल में भादरा बेनीवाल जाटों के अधीन आ गया। भादरा में बेनीवाल शासन की स्थापना राजा बेन ने भादरा के निकट करोही खेड़ा में की। बेनीवाल राजाओं में छाजू हरपाल प्रमुख रहे। इतिहासकारों के अनुसार बीकाजी ने अपने चाचा कांधल का एहसान चुकाने की मंशा से एक नया राज्य बनाया जिसमें चार प्रमुख ठिकाने थे। इसमें चूरू, भादरा और जैसर शामिल है। भादरा पर कांधलवंशी या कांधलोत राजपूतों का शासन लगभग 325 साल रहा। कांधल के बाद साईदास शासक हुए। साईदास के बाद जयमल, आशकर्ण, दौलत सिंह, लाल सिंह, प्रताप सिंह सहित अनेक प्रतापी ठाकुरों ने यहाँ शासन किया। बाद काल में महाराजा सूरत सिंह ने यह ठिकाना खालसा कर दिया, यानी भादरा सीधे बीकानेर रियासत के अधीन आ गया। कर्नल जेम्स टोड ने बीकानेर राज्य के इतिहास में स्पष्ट रूप से लिखा है कि कांधलोत राठौड़ों ने बीकानेर के महाराज को कभी संपूर्ण रूप से अपना अधीश्वर नहीं माना, बल्कि कुटुंब के रूप में उनका आदर करते रहे। बीकानेर दरबार से भादरा, चुरू और इधर के बाकी ठिकानों या पट्टियों के सरदारों की पटरी ज्यादा बैठी नहीं। जब प्रताप सिंह भादरा के ठाकुर थे तो किसी बात को लेकर बीकानेर की सेना ने भादरा पर चढ़ाई कर दी। प्रताप सिंह ने वीरता से मुकाबला किया और गढ़ को बचाए रखा। बीकानेरी सेना ने पटियाला के महाराज की सिख सेना को भादरा बुला लिया, जिनके जबरदस्त घेरे से तंग आकर प्रताप सिंह ने गढ़ खाली कर दिया और भादरा पर सिखों का अधिकार हो गया। बाद में पटियाला के महाराजा से लिखा पढ़ी कर अंग्रेजों ने यह इलाका खाली करवा लिया तथा भादरा अंग्रेजों की फौज के अधीन आ गया। अंग्रेजों ने खर्चा मिलने पर भादरा बीकानेर रियासत को सौंप दिया। महाराजा सूरज सिंह के समय भादरा ठिकाने का अस्तित्व खत्म कर दिया गया और इसे खालसा घोषित किया गया। जाट शासक छाजू ने भादरा में सबसे पहले कच्ची ईंटों का किला या कोट बनवाया था। यह किला लगभग वही था जहां बाद में दल सुखराय की धर्मशाला बनी। ठाकुर खेतसी कांधलोत ने पुराने गढ़ को तुड़वाकर पक्की ईंटों का गढ़ बनवाया और कस्बे के चार दरवाजे भी बनवाए, जो छानी, अजीतपुरा, डोंगराना व कर्णपुरा दरवाजा के नाम से जाने गए। यह गढ़ वही था जहां इस समय मोचियों का मोहल्ला है। बहुत समय पहले नगरपालिका ने इस गढ़ को नीलाम कर दिया, अब तो उसके अवशेष भी नहीं बचे हैं। तो भादरा कस्बा पहले चार दरवाजों के भीतर एक कोट या गढ़ में सीमित था। कालांतर में 1874 में नई बस्ती के कित्ते यानी प्लाट काटे गए। कस्बे में अब भी इन्हें कित्तों के नाम से जाना जाता है। कभी भादरा के चारों ओर 12 बास भी बसे हुए थे। आपको बताते चले कि भादरा बसता और उजड़ता रहा है। फिलहाल जो भादरा कस्बा है वह चौथी बार बसा था, जिसे पुनिया परिवार की एक लड़की चंद्रावली ने बसाया था। भादरा के प्रमुख गांवों की बात की जाए तो ढाका, रासलाना, छानी, झांसल, अजीतपुरा, डोंगराना व अनूप शहर का नाम लिया जा सकता है। आपको एक रोचक बात बताते हैं कि मुगलिया काल में रावत कांधल की मौत के बाद बीकानेर के राठौड़ शासकों और दिल्ली की सेनाओं के बीच एक लड़ाई झांसल में हुई थी। इस लड़ाई में जयराम वाल्मीकि जुझार हुए थे। छानी गांव जाट शासक छाजू ने बसाया था। कहा जाता है कि छानी शब्द छावनी से आया, क्योंकि गांव छानी का क्षेत्र इस युद्ध से पहले छावनी के रूप में था। यही कारण है कि इस इलाके में छावनी बड़ी, छावनी छोटी, सवाई छानी जैसे गांव हैं। चनाना गांव के बारे में कहा जाता है कि वहां उस समय सेना की भोजन अन्य व्यवस्था के लिए आई औरतों को ठहराया गया था, इसलिए उस जगह का नाम चनाना पड़ गया। शेखासर गांव का नाम शेख फरीद के नाम पर रखा गया। अलाउद्दीन के घोड़े जहां रखे जाते थे वहां गुड़साल गांव बस गया, और जहां घोड़ों की तेल मालिश के लिए तेल निकाला जाता था उसका नाम तेलनवाली पड़ गया। ये गांव अब भादरा के पास हरियाणा में आते हैं। ढाका गांव में पांडु, गोदारा व अन्य जाट सरदारों के बीच लड़ाई हुई थी। इस लड़ाई के साथ ही जाट जनपदों का काल खत्म हो गया और इलाके में राठौड़ हावी हो गई। डोंगराना के ठाकर सावंत सिंह ने गज सिंह के समय बीकानेर के खिलाफ बगावत की थी। उस समय डोंगराना के गढ़ को मिटा दिया गया। अनूपशहर, जिसे स्थानीय लोग नूपशहर भी कहते हैं, पुराना गांव है। यहां के ठाकर या ठाकुर ने डोंगराना के ठाकुर के साथ मिलकर बीकानेर के खिलाफ विद्रोह में हिस्सा लिया था।
क्रोहीखेड़ा गांव नीची जगह यानी निचाण में बसा था, इसलिए इसका नाम निवाण पड़ गया। दोस्तों, जैसा कि हम कह रहे हैं कि भादरा की माटी में ही बगावत की तासीर है, यह बात यहाँ के राजनीतिक इतिहास में भी देखी जा सकती है। भादरा के लोगों ने बगावती तेवर वालों को हमेशा जीत दिलाई है। भादरा की राजनीति की चर्चा निसंदेह रूप से लालचंद डूडी के बिना पूरी नहीं हो सकती, जो 3 बार विधायक रहे। भादरा राजस्थान की शुरुआती विधानसभा सीटों में से एक है। 1952 के पहले विधानसभा चुनाव में हंसराज आर्य कांग्रेसी के रूप में विधायक बने। 1957 के चुनाव में दोहरी सदस्यता के समय रामकिशन भांबू व जुगलाल विधायक बने। 1962 के चुनाव में हरदत्त सिंह विधायक बने। उनके असामयिक निधन के कारण 1965 में उपचुनाव हुआ, जिसमें दयाराम विधायक बने। इसके बाद 1967 के चुनाव में कांग्रेस के हंसराज आर्य दूसरी बार विधायक बने। 1972 का चुनाव कांग्रेस के ज्ञान सिंह ने जीता। 1977 में लालचंद डूडी जनता पार्टी की टिकट से जीते हुए मंत्री बने। 1980 में ज्ञान सिंह व 1985 तथा 90 में लालचंद डूडी विधायक बने। 1993 में ज्ञान सिंह बागी होकर निर्दलीय के रूप में जीत गए। 1998 में कांग्रेस के संजीव बेनीवाल जीते। 2003 में सुरेश चौधरी ने बागी होकर निर्दलीय के रूप में चुनाव जीता। 2008 में जयदीप डूडी भाजपा से बगावत कर चुनावी समर में कूदे और भारी मतों से जीत गए। 2013 में संजीव बेनीवाल जीते, लेकिन 2018 में भादरा की जनता ने राजनीतिक पंडितों के सारे अनुमानों को एक बार फिर धत्ता बताते हुए माकपा के कॉमरेड को जिता दिया। भादरा की राजनीति के युवा चेहरों में अशोक सैनी व निजाम मोहम्मद का नाम लिया जा सकता है। हाजी दाऊद कुरैशी भादरा के राजनीतिक व सामाजिक क्षेत्र में जाना पहचाना चेहरा है, जो नगर पालिका के चेयरमैन भी रहे हैं। एक बात आपको बताते चलें कि भादरा में पंचायत समिति के अनेक प्रधान बाद में विधायक बने, तो अनेक विधायक भी प्रधान बने। भादरा पंचायत समिति के पहले प्रधान सूर्यमल यादव थे। विधायक हंसराज आर्य 1961 से 65 तक प्रधान रहे, जबकि वे इससे पहले 1952 में व इसके बाद 1967 में विधायक भी रहे। 1972 से 77 के दौरान दयाराम पंचायत समिति के प्रधान रहे। वे इससे पहले 1962 के उपचुनाव में विधायकी का चुनाव जीत चुके थे। विमला चौधरी पहली महिला प्रधान बनी। लालचंद डूडी 2000 से 2003 के दौरान प्रधान रहे। वे इससे पहले 3 बार विधायक भी चुने गए थे। जयदीप डूडी 2000 से 2005 में प्रधान रहे। वे 2008 में विधायक चुने गए। कांता पुनिया भी यहाँ की प्रधान रह चुकी हैं। १९७० में राजस्थान में बड़ा किसान आंदोलन हुआ। छात्रों के उसमें शामिल होने से वह उग्र आंदोलन में बदल गया। पुलिस ने चूरू, संगरिया व भादरा में हालात को काबू करने के लिए गोली चलाई। घटना 7 जनवरी 1970 की है। इसमें भादरा के कम से कम 2 युवकों की जान गई। इसके बाद सन 2000 में एक घटना को लेकर भादरा में बड़ा जन आंदोलन हुआ। 3 नवंबर को पुलिस की गोलीबारी में एक युवक की जान चली गई और कई अन्य घायल हुए। साहित्य सृजन के लिहाज से भादरा हमेशा ही समृद्ध रहा है। क्रांतिकारी सत्यनारायण सराफ ने कई किताबें लिखी। उसके बाद भादरा में साहित्य की संस्कृति कवि गोपाल कृष्ण दादा, अलीम बाई राही, शिषपाल शर्मा व हरिस्वामी शिल्पी के साथ आगे बढ़ी। गोपी कृष्ण दादा की पंक्तियाँ, समय पर कही है समय पर कहूँगा, न रोके रहा हूँ न रोके रहूँगा, काफ़ी चर्चित रहीं। आपको बताते चलें कि 1946 में हिंदी साहित्य सम्मेलन भादरा में हुआ, जिसमें दादा की बड़ी भूमिका रही। भादरा के अलीम भाई राही अपनी गजलों के कारण चर्चा में रहे। उनका गजल संग्रह सदी का सफ़र आया, जिसे पाठकों का बहुत प्यार मिला। बलराम शर्मा, पवन शर्मा, याकूब खां आज़ाद, एन के राव अजीज़, विजय सिंह सांखला, रतन गोल्याण, डालेश पारीख, टेकचंद शर्मा, राजेंद्र धरड़, सुरेंद्र बेनीवाल, अशोक सिंगल,
रमेश शर्मा व विनोद शर्मा का नाम इस कतार में लिया जा सकता है। इनमें से ज्यादातर रचनाकारों ने भले ही कोई किताब नहीं प्रकाशित की हो, लेकिन इलाके की रचना धर्मिता में इन सभी का बड़ा योगदान है। पवन शर्मा कई किताबों का संपादन कर चुके हैं, जिनमें गजल संग्रह अपने अपने चेहरे भी शामिल है। पत्रकार साहित्यकार बलराम शर्मा गोगाजी व भादरा पर दो किताबें लिख चुके हैं। अजय सिंह राठौड़ ने कांधल राजपूतों के इतिहास पर एक शोधपरक किताब लिखी है, तो भागेश्वर प्रसाद त्यागी इतिहास व सिक्कों के शोध को लेकर काफी काम कर चुके हैं। उन्होंने बटनेर व हनुमानगढ़ के इतिहास पर दो किताबें लिखी हैं। जैसा कि हम जिक्र कर चुके हैं, हनीफ मोहम्मद ने भादरा तहसील का शोधपरक इतिहास लिखा। भादरा की भारतीय कला साहित्य परिषद यहाँ अनेक तरह के साहित्यिक कार्यक्रम करवाती रहती है। फोल्डर पत्रिका बानगी यहाँ से लंबे समय से प्रकाशित हो रही है। भादरा की पत्रकारिता में लाल मोहम्मद मुवालजन, कालीचरण शर्मा, टेकचंद शर्मा व नियमत जमाला पुराने पत्रकारों में से हैं। यहाँ से राष्ट्रवादी संदेश, वोल्टेज, भादरा परिक्रमा, समर्थ भारत, गौरव ज्योति व महिला आयोग आदि अखबार प्रकाशित होते हैं। भादरा के साहित्य सृजन की चर्चा को हम अलीम भाई राही की इन पंक्तियों के साथ विराम देंगे कि गलियों में मेरे गांव की कैसी हवा चलने लगी, गलियों में मेरे गांव की कैसी हवा चलने लगी, ये कौन सी तहजीब है जो फूलने फलने लगी। दोस्तों, आंकड़ों के लिहाज से बात की जाए तो भादरा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में उपखंड मुख्यालय, पंचायत समिति और तहसील मुख्यालय भी है। इसमें 100 से ज़्यादा गांव वचक आते हैं। भादरा पंचायत समिति में 49 पंचायतें हैं, यह नगरपालिका है। 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 55,615 परिवारों की बसांत के साथ भादरा तहसील की कुल जनसंख्या 2,90,318 थी। वहीं भादरा नगरपालिका क्षेत्र की जनसंख्या लगभग 50,000 है। राजस्थान की सीमा पर बसा यह कस्बा तीन ओर से हरियाणा को छूता है। इसके उत्तर में सिरसा, पूर्व में हिसार व दक्षिण पूर्व में सिवानी है। यहाँ के परिवारों की रिश्तेदारी भी पास के हरियाणा के गांवों में ज्यादा है, इसलिए हरियाणवी संस्कृति का असर यहाँ के लोगों की बोली, वेशभूषा व व्यवहार में दिखता है। राजस्थान के इस इलाके में दो जगहों के नाम जोड़कर बोलने की आदत है, जैसे सूरतगढ़ पीलीबंगा, गढ़साना रावला, रायसिंह नगर पदमपुर। वैसे ही भादरा को नोहर के साथ जोड़कर नोहर भादरा या भादरा नोहर बोला जाता है। लेकिन इन दोनों कस्बों में लगभग 45 किलोमीटर की दूरी है और दोनों अपने आप में अलग अलग विधानसभा क्षेत्र भी हैं। कहा जाता है कि मुगलिया दौर में चित्रांग या पश्चिमी यमुना नहर से पानी इस इलाके तक आता था। इस नहर का मार्ग शेरपुरा, निनाण, छानी व जांसल था। हालांकि बाद में उस नहर को पाट दिया गया। फिलहाल भाखड़ा की अमर सिंह ब्रांच व सिद्धमुख फीडर का पानी यहां के खेतों को सींचता है। मुगलिया शासक अलाउद्दीन के घोड़े इलाज के लिए भादरा के पास घुड़साल गाँव में आते थे, इसलिए कभी भादरा में घोड़ों की संख्या बहुत हुआ करती थी। जहाँ तक कनेक्टिविटी का सवाल है तो रेलवे के हिसाब से भादरा हनुमानगढ़ जंक्शन व सादुलपुर जंक्शन रेल लाइन के बीच पड़ता है। रोचक है कि रेलवे स्टेशन के हिसाब से भादरा का नाम तहसील भादरा है। तहसील भादरा रेलवे स्टेशन उत्तर पश्चिम रेलवे के बीकानेर डिवीजन में आता है। तहसील भादरा रेलवे स्टेशन इस इलाके के सबसे पुराने रेलवे स्टेशनों में से एक है। आजादी से पहले ही बीकानेर रियासत काल में 1928 में यहां से सादुलपुर ट्रेन चलती थी। फिलहाल ब्रॉडगेज में कन्वर्ट हुए इस स्टेशन से गुजरने वाली प्रमुख गाड़ियों में श्री गंगानगर तिलक ब्रिज, सादुलपुर हनुमानगढ़, श्री गंगानगर सादुलपुर, बीकानेर बिलासपुर व श्री गंगानगर सीकर एक्सप्रेस शामिल है। तहसील भादरा रेलवे स्टेशन बीकानेर, सूरतगढ़, बठिंडा, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, जयपुर व चंडीगढ़ जैसे प्रमुख स्टेशनों से जुड़ा है।
तहसील भादरा रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड TSD है और पिन कोड 335501। जहां तक सड़क मार्ग का सवाल है तो यह हाईवे पर पड़ता है। भादरा का बस अड्डा रेलवे स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं है। बस अड्डे से गोगामेडी, परलीका, अजीतपुरा, भनाई, डूंगराना, सिद्धमुख, रामसरा, भोजासर व मुंसरी सहित निकटवर्ती गांवों कस्बों को बसें ली जा सकती हैं। यहां से दिल्ली, जयपुर, हिसार व सिरसा को भी खूब बसें हैं। दूरी की बात की जाए तो यह हिसार से 60 किलोमीटर, आदमपुर से 40 किलोमीटर, सिरसा से 50 किलोमीटर है। नोहर यहाँ से लगभग 45 किलोमीटर है। कस्बे में रुकने के लिए अनेक धर्मशालाएं व होटल बने हैं। नोहर की तरह भादरा भी फुटबॉल का बड़ा गढ़ रहा है। यहाँ से अनेक खिलाड़ियों ने देश प्रदेश में नाम कमाया। यहाँ की अखिल भारतीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कप फुटबॉल प्रतियोगिता चर्चित रही। इसके अलावा हॉकी व क्रिकेट में भी यहाँ से अनेक युवा आगे गए। कुछ युवाओं ने मिलकर भादरा क्रिकेट लीग भी आयोजित की। आपको बता दें कि नोहर के नामी कोच रहे हाजी यूसुफ अली पहले भादरा के स्कूल में ही प्रशिक्षक थे, जिनका बाद में नोहर तबादला किया गया और उन्होंने इलाके में स्कूली फुटबॉल को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में बड़ा योगदान किया। भादरा के निकट कबीर संप्रदाय के संत खेताराम का समाधि स्थल रामतलाई आश्रम है। संत श्री का जन्म कर्णपुरा में हुआ था और बचपन में ही उन्होंने गैरवे वस्त्र धारण कर लिए थे। संत खेताराम जी ने भादरा इलाके में जल संकट को दूर करने के लिए अनेक तालाब खुदवाए। कर्णपुरा का ब्रह्मतलाई व भादरा का रामतलाई उन्हीं ने खुदवाया था। उनके समाधि स्थल व रामतलाई आश्रम की खूब मान्यता है। भादरा के धर्मसंघ महाविद्यालय व प्रबल कुटिया की स्थापना 1976 में हुई थी। दरअसल भादरा में 1 अक्टूबर 1976 को विशाल सहस्त्र चंडी महायज्ञ व धर्मसंघ के महाधिवेशन का आयोजन संत वीरवर्ती प्रबल जी ने करवाया था। तब धनपत राम जी मंगालीवाला व उनके पारिवारिक सदस्य दुर्गा प्रसाद, रूपराम, नरसिंह दास, लक्ष्मीचंद व लेखराम ने धर्मसंघ महाविद्यालय व रसायनशाला के लिए 19 किला 10 बिस्वा भूमि दान कर दी और संत वीरवर्ती प्रबल जी महाराज ही के होकर रह गए। भादरा के समाधि भी चर्चित हैं। लगभग 350 साल पहले हरियाणा की बालक मंडी से बालक बाबा सिद्धिनाथ व रिद्धिनाथ ने यह डेरा स्थापित किया। इस डेरे में बाबा हितगिरी की बहुत मान्यता रही। भादरा की ईदगाह बहुत पुरानी है, जिसका निर्माण डूंगर सिंह के समय हुआ था। जुमा मस्जिद का निर्माण लगभग 350 साल पहले हुआ। भादरा के भूमिया के थानों की बड़ी मान्यता है। कस्बे में शादी के बाद नवदंपति यहां धोक लगाने जरूर जाती है। हनुमान जी का मंदिर भादरा का सबसे पुराना मंदिर है। इसका निर्माण कांधल वंशीय ठाकुरों ने करवाया था। इससे पहले अणघण जी का मंदिर कहा जाता था। यहाँ की प्राचीन इमारतों में भक्तन का कुआं, बाबा जी की हवेली, पारखों की हवेली, नौगजा पीर व दादूपंथी डेरा को लिया जा सकता है। भादरा में पहला स्कूल 1883 में प्राथमिक पाठशाला के रूप में खुला। 1945 में यह मिडिल स्कूल बन गया। इस समय भादरा शिक्षा का एक बड़ा केंद्र है। भादरा में श्री कृष्ण पुस्तकालय 1920 में लाला खूबराम के प्रयास से खुला। 1977 में यहां गौशाला बनी।
भादरा के सेठों ने बड़ा नाम कमाया। कहा जाता है कि 1860 के दशक में जब आनंद सिंह यहाँ के शासक थे तो व्यापार की बड़ी उन्नति हुई। बाहर से व्यापारी बनिए यहाँ कर बसे, जिन्होंने बाद में प्रदेश देश के बाकी हिस्सों में भी नाम कमाया। यहाँ से बाहर गए ऐसे ही लोगों ने कलकत्ता में श्री भादरा परिषद कलकत्ता की स्थापना 23 जुलाई 1978 को की। भादरा के महीपाल, मंगालीवाला, चैनवाला, नाहटा, पटावरी, व्यापारक परिवार काफी चर्चित रहे। भादरा के पुराने सेठों में भगतराम गोल्याण, हलूमल मंगालीवाला, दिलसुख राय, सागरमल लोहारीवाला और हुकमचंद नाहटा का नाम लिया जा सकता है। जीटीवी वाले सुभाष चंद्रा की जड़ें भी इसी भादरा से जुड़ी हैं। सबसे बड़ी बात कि भादरा से चले गए इन सेठों के परिवार अब भी यहाँ के विकास व सामाजिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। कस्बे में पहली धर्मशाला मंगाली वाला परिवार ने ही बनवाई थी। भादरा लाला खूबराम, लाला सत्यनारायण व बालकृष्ण गुप्ता जैसे वीर क्रांतिकारियों की भूमि है। भादरा में जन्मे लाला खूबराम सराफ ने पारंपरिक दुकानदारी न कर स्वतंत्रता आंदोलन की राह पकड़ी। बीकानेर रियासत को उनसे हमेशा राजनीतिक षड्यंत्र का भय बना रहने लगा। चर्चित बीकानेर षड्यंत्र केस में लाला खूबराम सराफ को भी अभियुक्त बनाया गया। लंबे समय तक जेल में रहने और प्रताड़नाओं के चलते लाला खूबराम का 55 साल की उम्र में ही निधन हो गया। उनकी अवक्ष प्रतिमा भादरा कस्बे में स्थापित है। सत्यनारायण सराफ इन्हीं लाला खूबराम के परिवार से थे। लाला सत्यनारायण ने भादरा और लाहौर के डीएवी स्कूल में पढ़ाई की। उन्होंने भी लोक हित के मुद्दों को लेकर तत्कालीन रजवाड़ों से लंबी लड़ाई लड़ी। गांधी गांव में जन्मे हरदत्त बेनीवाल BA LLB की परीक्षा पास करने के बाद बीकानेर रियासत में जज हो गए, लेकिन राष्ट्र भावना से प्रेरित होकर उन्होंने राजकीय सेवा त्याग दी और प्रजा प्रसिद्ध के जरिए राजनीति में कूद गए। हरदत्त सिंह जेल गए और आजादी के बाद बीकानेर अंतरिम मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री बनाए गए। वे भादरा से विधायक रहे। गांधीवादी हंसराज आर्य ने भी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और विधायक रहे। भादरा से अनेक नाम गुमनाम लोगों ने आजादी के आंदोलन में भाग लिया। अनेक लोग अंग्रेज सेना से विद्रोह कर आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए। ऐसे ही कुछ नाम जो ध्यान में आते हैं उनमें रामलाल बेनीवाल, मुमताज अली, भगवाना राम, कमरुद्दीन, मनीराम, मेहर चंद, जयकरण, चंदूराम, जीतराम, मोमन राम, बुद्ध राम, आई राम, पोकर राम, बीरबल राम व बालचंद मुद्गल शामिल है। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग शायद ही जानते हो कि समाजवादी दिग्गज राम मनोहर लोहिया को राजनीति का लोहा बनाने के पीछे जिस शख्स का सबसे बड़ा योगदान था उनका नाम बालकृष्ण गुप्ता था और बालकृष्ण गुप्ता का जन्म भादरा के बाएं वाला परिवार में हुआ। भादरा में मिडिल तक पढ़ने के बाद बालकृष्ण गुप्ता लाहौर, कोलकाता व लंदन में पढ़े। वे आगे चलकर भारत के समाजवादी आंदोलन के प्रमुख नेता बने। तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष रवि रेत गुप्ता को लोहिया की छाया तक कहते थे। गुप्ता संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से बिहार से राज्यसभा के सदस्य भी रहे। नेपाल की क्रांति में भी बालकृष्ण गुप्ता की भूमिका रही। गुप्ता के 60-70 साल के लेखन का संकलन कर सारंग उपाध्याय व अनुराग चतुर्वेदी ने हाशिए पर पड़ी दुनिया पुस्तक लिखी जो 5 खंडों में है। वीर, बहादुर, बागी और क्रांतिकारी। भादरा के इतिहास को अगर 4 शब्दों में समेटना हो तो यह कहा जा सकता है। यहाँ के लोगों ने अपनी आजादी और आन का मान हमेशा रखा और उसके लिए बड़ी से बड़ी कीमत चुकाने से पीछे नहीं हटे। इतिहास में दर्ज है कि यहाँ के शुरुआती शासक योद्धे गणतंत्रवादी थे। जाट प्रजाहित को सर्वोपरि मानते थे। बाद काल में ठाकुरों ने भी खुद को शासक नहीं माना बल्कि उदार मन से जनता का साथ दिया। बीकानेर के लोग तो भादरा के ठाकुरों को बावला कहते थे क्योंकि उन्होंने निजी स्वार्थ पर ध्यान नहीं दिया बल्कि जनता के प्रति उदार व सहयोगी रहे। मोहम्मद हनीफ ने अपनी किताब में इस बारे में एक रोचक घटना का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि साहवा के राजा सरदार सिंह की मान्यता थी कि भादरा की मिट्टी में बागी पैदा होते हैं, इसलिए वह यहाँ की मिट्टी को भरकर साहवा ले गया और उस मिट्टी को दरबार में फैला दिया। जब ठाकुर लोग उस मिट्टी पर खड़े हुए तो उन्होंने राजा को मुजरा करने से मना कर दिया।
दोस्तों यह तो रही बात भादरा की, एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि किसी भी जगह का इतिहास वहाँ के बारे में लिखी गई किताबों, बही बाटों की ख्यातों या बड़े बुजुर्गों से सुनी बातों, जनश्रुतियों से जाना जाता है। हम उसकी तथ्यात्मकता के बारे में कोई दावा नहीं कर सकते, इसलिए हमारी जानकारी में कोई कमी बेसी नजर आए तो कृपया वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। आप हमें यहाँ मेल भी कर सकते हैं। ऐसी एक और अनूठी जानकारी के साथ जल्द हाजिर होंगे, तब तक आप सांगोपांग के दूसरे वीडियो का भी आनंद लें। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब या ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।